डिफेंस फेस 9 की मवेशी मंडी में नाकस इंतजाम, पीने का साफ पानी मौजूद है ना ही रात को लाइट्स का इंतजाम, परेशान व्यापारी इंतजामिया से नाला नजर आते हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सभी लसन से। सभी लसन बताइए क्या इंतजाम है। उज़्मा की जानिब से मंडियां तो फाल कर दी गई लेकिन मंडियों में दरपेश मसाइल से व्यापारी तंग नजर आते हैं। मैं इस वक्त डिफेंस की फेज 9 जो कि गजुमाता को मंडी लगती है उस मंडी में हम मौजूद हैं और यहां के मसाइल देखें इनमें आए हैं। अगर नज़र आए मसाइल तो इस मंडी के अंदर मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं और जो व्यापारी बैठे हैं यहाँ पर हजरात उनके लिए दरपेश मसाइल जो है उनके लिए अज़ियत बन चुके हैं। कहते हैं कि हमारे पास ना ही कोई गाहक आता है, जैसे जैसे शाम जो है वो शुरू हो जाती है तो हमारे पास जो गाहक हैं वो भी आना बंद होते हैं। उसकी जो मेन वजह हमें पता चल सकी वो यहाँ के लाइटिंग सिस्टम है। तो यहाँ के व्यापारी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉल में मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई जान क्या मसाइल हैं आपके और ये बताएँ कि जो इंतज़ाम किए हैं क्या वो ठीक नहीं है? नहीं है सर जी। क्या वजह क्या है? बत्ती नहीं आ रही, पानी जो दूर लेना पड़ता है भैया, तो टेंशन हो रही है। साहब ने बुलाया पाया, उन्होंने खाना खिलाया, पानी पिया, बोतलें पियाइया, लाइट फिर भी भेज रहा उन्होंने बुला के लिया था वो मुंडे ने भेजा कहते बत्ती ला दो, उन्होंने जाते लाइट कर देती है भाई जी। आप ये बात सुन रहे हैं कि जी लाइट नहीं है इनके पास और लाइट का सबसे बड़ा मसला है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कीचड़ जो कि आज के होने वाली बारिश के बाद जो यहाँ पे कीचड़ मौजूद है और यहाँ पर कस्टमर जो हैं जो कि ग्राहक हैं ना होने के बराबर, उसकी मेन वजह ये बारिश के बाद का निज़ाम है जो इस जगह पर पानी खड़ा है जगह जगह और लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, आप बताएँ जी क्या मसाइल आपको, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी इधर तो एक लाइट की बहुत तंगी है, एक एक उनने लाइट लगाई है एक तरफ तो दूसरी तरफ पे लाइट नहीं है। रात को उधर गाड़ी रुक जाती है तो लाइट होती नहीं बिल्कुल ही, तो बड़े जानवर हैं हमारे तो पानी नीचे तो बेसाब था, सुबह के निकाल रहे हैं लेकिन क्यों जी। आप बताएं जी क्या आप, बिजली का मामला तो हमें समझ आ गया, जो बारिश हुई है उसके बाद जो जगह जगह कीचड़ है इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में ये है वहाँ पीने का साफ पानी भी नहीं है, 4 किलोमीटर में दूर पेट्रोल पंप है वहाँ पर पीने का पानी लेके आते हैं, वहाँ कोई सहूलत ही मौजूद नहीं है। वहाँ जो जितने भी व्यापारी भाई आए हुए हैं सब जिलों खुवार हो रहे हैं। तो ये बताएं जो ये आपके जो स्टॉल के अंदर पानी जमा हुआ है ये बारिश का पानी है सारा? जी सर ये बारिश तो निकाला नहीं अभी तक किसी ने, कुछ नहीं मसला नहीं हल किया, हमने खुद भी जाकर। आप खुद निकाल रहे हैं? हम खुद निकाल रहे हैं, सुबह से ही है ना हम जानवरों को छोड़ के पानी को लगे हुए, ये देख लें पानी हमने बाल्टियों से बाहर निकाला। तो आपने इंतजामिया से बात की? इंतजामियों से ही है, उनकी 2 बाल्टियां केरी की ले ली तो हमारे जो है ना गालियां देने लग गए, इसको हाथ क्यों लगाया। ये जी आप निज़ाम देख रहे हैं यहाँ पे, लोगों की बात भी देख रहे हैं कि इंतजामिया यहाँ पर काम करने से जो है बिल्कुल कासिर है, इंतजामिया ने लोगों के लिए काम नहीं किया। जो लाइट्स लगाई गई हैं वो लाइट्स इनमें से आधी चलती हैं और आधी नहीं चलती है, और लोगों का कहना यह है कि जी परेशानी का सामना ये है कि जैसे जैसे रात होना शुरू होती है जब ग्राहक आते हैं मंडी के अंदर तो उनको मोबाइल की रोशनी में जो है हमें जानवर बेचने पर मजबूर हैं हम लोग, लाइट नहीं है, इसके साथ साथ पीने का साफ पानी इनके पास नहीं है और यहाँ पर जो बारिश के बाद जमा पानी है उसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आ सकेगा। इसके साथ साथ जो कीचड़ मौजूद है फैमिलीज का आना तो इंतहाई मुश्किल नजर आता है।